यह कहानी है एक इंश्योरेंस एजेंट की जो कई दिनों से काफी परेशान था क्योंकि उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बिक रही थी। हर जगह से उसके हाथ निराशा ही आ रही थी। जिस भी व्यक्ति से इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बात करता वह व्यक्ति उसे मना ही करता, कुछ ना कुछ बहाने ही बना देता, जिसकी वजह से वह बहुत ही परेशान था और इन्हीं बातों से वह चिड़चिड़ा रहने लगा था और बहुत ही तनाव में आ गया था। अब वह इस बात से बहुत ही परेशान था कि घर के सारे खर्चे उसे ही उठाने पड़ते हैं और जब पॉलिसी नहीं बिकेगी तो कमीशन कहाँ से आएगा, कमाई कहाँ से होगी और जब कमाई नहीं होगी तो फिर खर्चों को किस तरह से मैनेज करूंगा। तो पूरे घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर ही थी और हर रोज किसी न किसी रिश्तेदार का आना जाना भी उसके घर में लगा ही रहता था। तो इन्हीं सब बातों को सोच सोच कर वह काफी दिनों से परेशान था और इन्हीं सब बातों की वजह से वह बेवजह ही गुस्सा किया करता, अपने बच्चे को डांट दिया करता और अपनी पत्नी से भी झगड़ा किया करता। अब एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और उससे कहा कि पिताजी मेरा होमवर्क करवा दीजिए। अब वह पहले से ही परेशान था तो उसने अपने बेटे को डांट कर भगा दिया। लेकिन कुछ देर के बाद जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो फिर वह अपने बेटे के पास गया। उसने देखा कि उसका बेटा सो चुका था और उसके हाथ में होमवर्क की बुक थी। अब उसने उसके हाथ से होमवर्क बुक ले ली और जब उसे साइड में रख रहा था तभी उसकी नजर दिए गए होमवर्क पर पड़ी। उस होमवर्क के टाइटल पर लिखा था कि वे चीजें जो हमें शुरुआत में तो नहीं अच्छी लगती लेकिन बाद में वही अच्छी होती है। अब इस टाइटल पर उस बच्चे ने एक पैराग्राफ भी लिखा हुआ था। अब उसके पिता ने उस पैराग्राफ को पढ़ाना शुरू किया। बच्चे ने लिखा था कि मैं अपने फाइनल एग्जाम को धन्यवाद देता हूं जो कि शुरू में मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते लेकिन इसके बाद छुट्टियां लग जाती है। मैं उन खराब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को भी धन्यवाद अदा करता हूँ जो कि शुरू में तो बहुत खराब लगती हैं, लेकिन बाद में मैं उन्हीं की वजह से ठीक हो जाता हूँ। मैं सुबह सुबह बजने वाली उस अलार्म घड़ी को भी धन्यवाद अदा करता हूँ जो कि शुरू शुरू में मुझे पसंद नहीं आती लेकिन बाद में वही मुझे बताती है कि मैं जिंदा हूँ। और मैं ईश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे इतने अच्छे पिता दिए, जिनकी डांट मुझे शुरू में तो अच्छी नहीं लगती लेकिन जिनकी डांट की वजह से ही मैं जिंदगी में आगे बढ़ पा रहा हूँ। मेरे पिताजी ही मेरे लिए खिलौने लेकर आते हैं और मुझे घुमाने के लिए लेकर जाया करते हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता है क्योंकि मेरे दोस्त आकाश के तो पिता ही नहीं। अब बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वह आदमी जैसे नींद से जाग गया हो, उसकी सोच बदल गई हो और उस बच्चे के द्वारा लिखी गई बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। अब थोड़ी देर के बाद वह आदमी शांत हुआ। उसने एक पेन और एक पेपर लिया और अपनी सभी परेशानियों को लिखने लगा। उसने लिखा कि मुझे घर के सभी खर्च उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब यह है कि मेरे पास घर है और एक अच्छा सा काम है। मैं उन लोगों से तो बहुत नसीब वाला हूँ जिनके पास काम नहीं है और घर भी नहीं है। उसने लिखा कि मुझे मेरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, तो इसका मतलब यह है कि मेरे पास परिवार है और मैं उन लोगों से बहुत ही खुशनसीब हूँ जिनके पास परिवार ही नहीं और वो इस दुनिया में बिल्कुल ही अकेले हैं। हर रोज मेरे घर पर कोई दोस्त या रिश्तेदार आता जाता रहता है, इसका मतलब यह है कि लोगों में मेरी एक पहचान है। मेरे सुख दुख में साथ देने वाले मेरे दोस्त व मेरे रिश्तेदार है। अब यह सब सोचने और लिखने के बाद वह अपने आप को फ्री महसूस करने लगा, मानो उसके सर से कोई बोझ उतर गया हो। और फिर उसने ईश्वर की तरफ हाथ जोड़ते हुए कहा कि हे भगवान, मैं तेरा धन्यवाद अदा करता हूँ जो तूने मुझे इतना सब कुछ दिया और मैं इन सबको नजरअंदाज कर रहा था। तो इसके बाद उस आदमी की सारी परेशानी सारी चिंताएं दूर हो गई, उसका मन हल्का हो गया और उसने अपने सोते हुए बेटे को गोद में उठाया और खुशी से उसे गले लगा लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें कितनी बड़ी सीख मिलती है कि हमारी जिंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं, जब तक यदि हम उसे नेगेटिव नजरिए से देखते रहेंगे तब तक हम हमारी परेशानियों से घिरे ही रहेंगे और जब हम अपनी परेशानियों को पॉजिटिव नजरिए से देखेंगे तब हमारी सारी की सारी परेशानियां, सारी की सारी चिंताएं और सारे के सारे दुख एकदम से खत्म हो जाएंगे और हमारी सोच व हमारा जीवन एकदम से बदल जाएगा। दोस्तों, हम हमेशा अपने से बड़े लोगों को देखते हैं जिनके पास हमसे ज्यादा पैसा होता है, हमसे ज्यादा बड़ा घर होता है, हमसे ज्यादा सुख सुविधाएं होती हैं और फिर उन्हें देखकर हम अफसोस करने लग जाते हैं, दुखी होने लगते हैं और अपना सुकून बर्बाद कर देते हैं। तो अब कभी उन लोगों को भी देखो जिनके पास उतना भी नहीं है जितना आपके पास है। और कुछ तो लोग वैसे होंगे जिनका सपना होगा कि वह आपके जितना कमा सके, आपके जितना बना पाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दूसरे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो या आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस YouTube चैनल पर आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि भविष्य में जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।